हेलो गाइस, डिजिटल ध्रुव यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त महानंद ध्रुव। यूट्यूब फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करने वाला हूं कि रेडमी 9 पावर में डिलीट किए फोटो और वीडियो को फिर से अपने मोबाइल फ़ोन पर वापस कैसे ला सकते हैं। इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहना। यदि रेडमी फोन से रिलेटेड जानकारी पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगेगा तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना। तो चलो फ्रेंड्स, आज कुछ नया सीखते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर रेडमी 9 पावर की होम स्क्रीन ओपन हो चुके। यहाँ पर आपको क्या करना है, Redmi 9 Power की गैलरी को ओपन कर लेना। टैप करते ही यार यहाँ पर Redmi 9 Power की गैलरी के होम स्क्रीन ओपन हो चुका है। यहाँ पर मैं आप लोगों को ट्रायल दिखा रहा हूँ यार, कैसे भी फोटो को डिलीट करके उसे वापस कैसे लाना है। यहाँ पर मैं वीडियो और फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डिलीट के आइकन को एक बार टैप करना, और यहाँ पर डिलीट पर एक बार टैप करना। टैप करते ही यार यहाँ पर आप देख सकते हैं जितना भी फोटो और वीडियो को सिलेक्ट किए थे वो सभी डिलीट हो चुका है। अब इन डिलीट किए हुए फोटो और वीडियो को वापस लाने के लिए इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 डॉट की आइकन को एक बार टैप करना। टैप करते ही यार यहाँ पर इस प्रकार पॉपअप ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको क्या करना है यार, यहाँ पर सेटिंग्स पर एक बार टैप करना। टैप करते ही यार यहाँ पर इस प्रकार की न्यू इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, ऊपर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर ट्रस्ट बिन की ऑप्शन पर एक बार टैप करना। ट्रस्ट बिन की ऑप्शन को टैप करते ही यार यहाँ पर इस प्रकार की न्यू इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर जितना भी फोटो और वीडियो को डिलीट किए होते हैं वो यहाँ पर स्टोर रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितना भी फोटो और वीडियो को डिलीट किए थे वो यहाँ पर स्टोर है। इन डिलीट किए हुए फोटो और वीडियो को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं यार, और सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर री स्टोर पर एक बार टैप करना। टैप करते ही यार जितना भी फोटो और वीडियो को सिलेक्ट किए थे वो हमारे मोबाइल फ़ोन की गैलरी पर डाउनलोड हो चुका है। गैलरी पर डाउनलोड हुआ है या फिर नहीं, इसे पता करने के लिए फिर से हमें अपने मोबाइल फ़ोन की गैलरी की होम स्क्रीन को ओपन करना होगा। सो फ्रेंड्स, यहां पर आप देख सकते हो यार जितना भी फोटो और वीडियो को डिलीट किए थे वो हमारे मोबाइल फ़ोन की गैलरी पर फिर से वापस आ चुका है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा यार हमें कमेंट पर ज़रूर बताना। अभी के लिए बस इतना ही यार, अगले वीडियो पर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।